हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोग के साथ एक न्यू क्राफ्ट लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज किया है। तो सबसे पहले हम इस तरह से कार्डबोर्ड को कट कर लेंगे और उस पर फेविकॉल लगा के इसे इस पर चिपका लेंगे। इसे चिपकाने के बाद हम इसके किनारों को मास्किंग टेप की हेल्प से इसे कवर करेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ फूल बनाएंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर पीओपी का घोल लगा रही हूँ। मैंने पीओपी में बस थोड़ा सा फेविकॉल और पानी मिक्स करके घोल तैयार कर लिया और मैं इस पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप पीओपी का घोल बनाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे वाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर सकते हैं। मेरे पास पीओपी था तो मैंने उसका घोल बनाकर इस पे इसे अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम एक प्लास्टिक शीट लेंगे और उस पे नारियल का तेल लगा लेंगे। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप नारियल का तेल ही लगाएं। आपके पास घर में कोई भी हेयर ऑयल है तो आप उसे इस पे लगा सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा बॉल पुटी लिया है और उस बॉल पुटी को इस प्लास्टिक शीट पे रख के अच्छी तरह से बेल लेंगे। देखिए, मैंने बेलने के लिए यहाँ पे बेलन का यूज किया है। तो ये बेलन तो हमारे घर में होती ही होती है, तो आप इसी बेलन का यूज कर लें और अच्छे से प्लास्टिक शीट पे इसे रख के बेल लें। प्लास्टिक शीट पे बेलने के बाद हम दोनों तरफ से प्लास्टिक शीट को पहले हटा के देख लेंगे और उसके बाद जो हमने सेब कट किया है उसे इस पे रख के किसी भी टूल्स की हेल्प से इसे हम कट कर लेंगे। प्लास्टिक शीट पर तेल लगाकर बॉल पुटी को बेलने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप कितना भी पतला शीट बेल लो, बॉल पुटी बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो आपको जब भी बॉल पुटी से पतली शीट बनानी हो तो आप उसे प्लास्टिक पे इसी तरह से रख के बेलें। तो फ्रेंड्स, अब मैं बॉल पुटी से कुछ वीड्स बना लूंगी और देखिए, जो हमने सेप कट किया था वो प्रॉपर सूख गया है। तो अब आ गई इसकी कलर की बारी। तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग करें, आपको जो भी कलर पसंद हो आप उस कलर से इसे कलर करें। लेकिन देखिए, इस बार जो मैंने इस पे कलर किया है इसे करना कितना आसान और ये कलर करने के बाद देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। आप बेस में जो भी कलर रखना चाहते हैं उस कलर को रख लें और उसके बाद उस कलर को सूखे बिना आप ऊपर से कोई दूसरा कलर करें। अपने मन के अकॉर्डिंग मनचाहा डिजाइन बनाएं और उसे सूखने के लिए रख दें। आप देखिएगा कि सूखने के बाद उसका लुक कितना सुंदर निखर के आया है। तो देखिए, मैं इसे कितने सिंपल मेथड से कलर कर रही हूँ। आप भी इस तरह से कलर करें और काफ़ी कम टाइम में एक नया डिज़ाइन क्रिएट करें। मैंने अभी इसके एक साइड कलर किया है और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब मैं इसके पीछे की साइड भी सेम डिज़ाइन सेम कलर कर दूंगी। तो देखिए, हमने जो कार्डबोर्ड चिपकाया था मैंने उसे भी कलर कर लिया है। मैंने इसे डबल शेड में कलर किया है। तो इसे कलर करना बड़ा सिंपल है। फ्रेंड्स, हम जो इस तरह के क्राफ्ट अपने घर में बनाते हैं, एक तो वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और दूसरा यह है कि जो हमारा खर्च है वो काफ़ी कम होता है और तीसरी सबसे खास बात यह है कि जो हमारे अंदर का टैलेंट है उसे हम इस क्राफ्ट के ज़रिए बाहर लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो बॉल पुटी से सेप कट करके कलर किया था वो अच्छी तरह से सूख गए हैं, कार्डबोर्ड भी सूख गया है और मैंने वीड्स को भी कलर कर लिया है, वो भी अच्छी तरह से सूख गए हैं। तो अब हम इसे अरेंज करेंगे। इसके लिए मैंने गोटा वाली लेस ली है। ये काफ़ी मजबूत होती है और ये बड़ी ही आसानी से लोकल शॉप में मिल जाती है। आप इसकी जगह पे ऊन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी च्वाइस है। आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप उसी का यूज कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमने सेप कट किया है उसे हैंग करेंगे और उसे अच्छी तरह से गांठ लगा लेंगे। उसके बाद जो बीड्स बनाए हैं उसे उसमें अरेंज करेंगे। देखिए, वीड्स आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करें। आपको जो कलर पहले रखना है उस तरह से आप उसे रखते जाएं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा वीड्स का यूज नहीं किया है तो मैंने गोटे को बस थोड़ा दूर खाली रखा, उसके बाद एक गांठ लगा दिया। उसके बाद फिर तीन वीड्स डाले और फिर थोड़ी दूर पर गांठ लगा दिया। इस तरह से हमारा जो वीड्स है वो थोड़ा कम लगेगा और अगर आप इस तरह से अरेंज करते हो तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है।
तो इसी तरह से हम सारी लड़ियां तैयार कर लेंगे और इसे रख के देख लेंगे कि हमें इसे किस तरह से हैंग करना है। और बस अब इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस हम एक लड़ी उठाएंगे और जहां से हमने उठाया है बस वहां से उसे वहीं पे टक करते जाएंगे। सारी लड़ियों को 1x1 टक करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो पीछे जो हमारा गोटा बच गया है उसे एक जगह इकट्ठा करके एक काट लगा लेंगे और इसी को रोल करते हुए हम पीछे के साइड हैंग करने के लिए वहां पे डोरी भी बना लेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्राफ्ट बनके हो गया है तैयार। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।